बॉलीवुड इंडस्ट्री में अब तक ऐसे कई एक्टर्स हैं जो कि अपने विलन के रोल के लिए जाने जाते हैं। अब तक बॉलीवुड में ऐसे कई विलन्स के किरदार निभा चुके हैं एक्टर्स, जिनके जरिए उन्होंने अपनी पहचान बना डाली, और उन्हीं में से एक हैं प्रकाश राज, जो कि बेहद ही फेमस हैं साउथ से लेकर बॉलीवुड तक। निर्माता और कलाकार होने के साथ साथ उन्होंने होस्ट भी किए हैं कई शोज। साउथ इंडस्ट्री में उन्होंने अपना नाम कमा लिया, तो वहीं बॉलीवुड में भी उन्होंने अपनी एक्टिंग की छाप छोड़ दी। कन्नड़ और तेलुगु सिनेमा के फेमस एक्टर प्रकाश राज ने सिंघम, वांटेड और दबंग 2 के जरिए बॉलीवुड में खलनायकी के रोल को निभाकर बॉलीवुड में विलन के खाली जगह को भर दिया। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रकाश राज के बारे में तो आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे उनकी जिंदगी के अनसुने पलों के बारे में जानने के बाद। उनकी अनसुनी बातें आपको भी हैरान कर जाएंगी। बता दें आपको कि प्रकाश राज का जन्म 26 मार्च 1965 में बेंगलोर में हुआ था। वहीं प्रकाश राज का असली नाम है प्रकाश रॉय, जिसे उन्होंने तमिल डायरेक्टर के बालाचंद्र के कहने पर बदल लिया था। प्रकाश ने अपनी पढ़ाई की थी बेंगलोर में सेंट जोसेफ स्कूल से। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि पढ़ाई में वो काफी अच्छे थे। इसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया सेंट जोसेफ कॉलेज ऑफ कॉमर्स से। प्रकाश राज पढ़ाई में काफी अच्छे थे, लेकिन अगर बात की जाए प्रकाश राज की, तो उन्होंने पहला प्ले अपने स्कूल में किया था और उन्होंने करीब 2000 प्ले किए थे, और आज वो जिस मुकाम पर हैं उसका पूरा श्रेय तमिल निर्देशक बालाचंद्र को देते हैं। प्रकाश राज को उनके 29 साल के करियर में अब तक 5 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। वहीं अगर बात की जाए उनके करियर की, तो प्रकाश राज ने शुरुआती दौर में थिएटर में काम किया। इसके अलावा वो स्ट्रीट प्ले भी किया करते थे। थिएटर में काम करने के लिए हर महीने उन्हें 300 रुपये मिला करते थे। इसके बाद उन्होंने टीवी सीरियल्स में भी काम किया और धीरे धीरे फिल्मों की तरफ उन्होंने रुख कर लिया। उन्होंने कन्नड़ से लेकर तमिल, मराठी, मलयाली और हिंदी फिल्मों में काम किया और अपनी दमदार एक्टिंग के जरिए लोगों के दिलों पर प्रकाश राज ने अपनी छाप छोड़ दी। फिल्मों में कई तरह के उन्होंने रोल निभाए, लेकिन ज्यादातर फिल्मों में वो विलन के रोल में ही नजर आए। साल 1994 में उन्होंने फिल्म ड्यूएट से तमिल सिनेमा में डेब्यू किया था। ये फिल्म काफी सुपरहिट रही और प्रकाश राज को एक पहचान मिल गई। लोग उन्हें जानने लगे थे, पहचानने लगे थे। लेकिन फिर आया साल 2009, जब उन्हें फिल्म वांटेड से बॉलीवुड में एंट्री करने का मौका मिला। यहाँ पर सलमान खान के साथ उन्हें काम करने का मौका मिल गया और इसके बाद सफलता उनके कदम चूमने लगी। बॉलीवुड इंडस्ट्री में उन्होंने अपने विलन रोल के जरिए अपनी एक अलग पहचान बना डाली और उन्होंने बॉलीवुड में विलन के किरदार का खाली पद भर डाला। इसके बाद उन्होंने सिंघम, दबंग 2, मुंबई मिरर, पुलिसगिरी, हीरोपंती, जंजीर जैसी फिल्मों में भी ये रोल निभाया। ज्यादातर फिल्मों में वो विलन के रोल में ही नजर आए। वहीं आपको ये भी बता दें कि तेलुगु फिल्म प्रोड्यूसर ने प्रकाश राज पर फिल्म इंडस्ट्री में काम करने और उनके बुरे बर्ताव को लेकर 6 बार उन पर बैन भी लगाया था। फिल्म सिंगर के डायलॉग को लेकर प्रकाश राज काफी चर्चा में भी रहे थे, विवादों में भी घिर चुके थे, और फिल्म में एक डायलॉग के कारण फिल्म की पूरी टीम ने प्रकाश राज ने कन्नड़ फिल्म एसोसिएशन से माफी भी मांगी। प्रकाश राज ने कहा था कि मैं खुद कन्नड़ियन हूँ और मैं किसी की भावना को आहत नहीं करना चाहता हूँ। वहीं आपको ये भी बता दें प्रकाश राज के बारे में कि उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी ऐसी कई सारी बातें हैं जिन्हें जानने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि साल 1983 में कर्नाटक में पड़े भयंकर सूखे के बीच गांव-गांव जाकर थिएटर करके लोगों को जागरूक किया करते थे। वहीं सरकार के जन विरोधी नीतियों का विरोध किया करते थे। वहीं इसके अलावा साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में उतरने का उन्होंने फैसला लिया। लेकिन प्रकाश राज की जिंदगी के उस दौर के बारे में बात करें तो आप भी हैरान रह जाएंगे। ये दौर था उनकी शादी के बाद का।
प्रकाश राज ने अपनी पहली शादी 1994 में तमिल एक्ट्रेस ललिता कुमारी से की थी। साल 2004 में उनके 4 साल के बेटे का निधन हो गया और वो 3 साल लगातार काफी डिस्टर्ब रहे। वो इस दर्द से उभर नहीं पा रहे थे और इससे उनकी शादीशुदा जिंदगी में भी खटास आ गई। और फिर आया साल 2009 जब उन्होंने तलाक लेने का फैसला किया। साल 2009 में तलाक के बाद उन्होंने अपने से 12 साल छोटी कोरियोग्राफर पोनी वर्मा से शादी कर ली। उनकी जिंदगी में पोनी वर्मा आ गई और फिर प्रकाश ने पहली बार 1997 में तमिल फिल्म इरुवर की ये बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी जीता था। तो वहीं साल 2007 में इन्होंने तमिल फिल्म कांजीवरम के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड भी जीता। ये तो प्रकाश राज का एक्टिंग का जज्बा था जिसकी वजह से उन्होंने अवार्ड जीते। लेकिन उनकी जिंदगी धीरे धीरे अच्छी चलने लगी। उन्होंने दूसरी शादी कर ली। वहीं आपको ये भी बता दें कि प्रकाश राज की उम्र जब 50 साल की हो गई तब उनके यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ। 3 फरवरी 2016 को उनकी दूसरी पत्नी पोनी वर्मा ने एक बेटे को जन्म दिया और आज प्रकाश राज अपनी पत्नी के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। बहुत ही अच्छे से वो अपनी जिंदगी को बिता रहे हैं। वहीं साथ ही साथ जाते जाते आपको ये भी बता दें कि जब प्रकाश राज की पहली शादी हुई थी तब उनकी 2 बेटियां हुई थी जिनका नाम है मेघना और पूजा। अक्सर प्रकाश राज को अपनी बेटियों के साथ और अपने बेटे के साथ देखा जाता है। इन तस्वीरों में आप देख ही रहे होंगे प्रकाश राज की फैमिली को। वेल, आपको ये भी बता दें कि प्रकाश राज अपनी एक फिल्म के लिए करीब 2 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं और आज के समय में भी प्रकाश राज ने अपना कोई मैनेजर नहीं रखा है। अपनी फीस को वो खुद ही डिसाइड करते हैं और वो इंडस्ट्री में एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने आज तक कोई मैनेजर नहीं रखा और अपनी कमाई का 20% हिस्सा चैरिटी में देते हैं। तो दर्शकों, ये थी प्रकाश राज की जिंदगी, जिसके बारे में जानने के बाद आपको कैसा लगा ये आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज से प्रांशी की रिपोर्ट।